Hello guys. गाइज आप सिंगापुर जा रहे हो, सिंगापुर ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो या सिंगापुर ट्रिप जाना चाहते हो फ्यूचर में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए बिकॉज इस वीडियो में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं सिंगापुर ट्रिप से रिलेटेड, चाहे वो बजट हो, वीज़ा हो, कहाँ पे जाना चाहिए, क्या आइटनरी होना चाहिए, कैसे प्लान करें सिंगापुर ट्रिप को, कैसे इजीली ट्रैवल कर सके सिंगापुर में अलग अलग जगह पे, और भी सारे क्वेश्चंस के आंसर, जैसे कि बेस्ट टाइम क्या है, बजट में शॉपिंग कहाँ पे करें सिंगापुर में, और भी अदर क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में मैं दूंगा। सो गाइज, जो पहला क्वेश्चन मुझे लगता है आपके दिमाग में होगा कि सिंगापुर जाने के लिए हमें वीज़ा कैसे लेना है। गाइज, कोई भी कंट्री जाने के लिए आपको वीज़ा ज़रूर लगता है, तो सिंगापुर जाने के लिए भी आपको वीज़ा लगेगा, बट डोंट वरी, वीज़ा का प्रोसेस बहुत ईजी है एंड बहुत ही क्विक प्रोसेस है, मीन्स आपको 2 से 4 दिन में वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर होने चाहिए, वीज़ा आपको कन्फर्म मिल जाएगा। सिंगापुर वीज़ा से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दिए हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर होगा सिंगापुर से रिलेटेड कि क्या बेस्ट टाइम है सिंगापुर जाने के लिए, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट सिंगापुर। सो गाइज, बेस्ट टाइम टू विजिट सिंगापुर इज़ दिसंबर टू जनवरी, बट इट्स अ पीक सीज़न, बट सिंगापुर का वेदर ऐसा है कि हम एवरी सीज़न उसका वेदर एक ही जैसा है, मीन्स हर मंथ में आपको वो सेम वेदर मिलेगा। सो आप कोई भी मंथ में जा सकते हो सिंगापुर, सिंगापुर जाने का कोई सीज़न नहीं है, आप कोई भी सीज़न जा सकते हो। दिसंबर से जनवरी पीक सीज़न होता है एंड जून में, क्योंकि जून में वहाँ के स्कूल का वेकेशंस होता है तो क्राउड काफ़ी होते, तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो ट्रिप। जो सेकेंड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा ज़रूर कि कितनों दिनों के लिए हमें सिंगापुर जाना चाहिए, मीन्स फॉर हाउ मेनी डेज शुड आई विजिट सिंगापुर और हाउ मेनी डेज शुड आई स्पेंड इन सिंगापुर। सो गाइज, मेरे अकॉर्डिंग, मैं अभी रिसेंटली जाके आया हूँ सिंगापुर, तो मैं कहूँगा 5 to 6 days इनफ है सिंगापुर को, आप एक्सप्लोर कर सकते हो 5 to 6 days में। तो या तो गाइज, 5 to 6 days पकड़ के चलिए आपको लगेगा सिंगापुर एक्सप्लोर करने में, और भी दिन रह सकते हो, और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, बट 5 to 6 days आपको इनफ है सिंगापुर एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइज, सिंगापुर में आप बहुत सारे अलग अलग साइट सींग से जो आप जा सकते हो, बहुत सारे पॉपुलर साइट सींग है जो मैं अभी नेक्स्ट बताने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पे आपको जाना चाहिए, क्या आपका आइटनरी होना चाहिए 5 days 6 days के लिए। सो गाइज, मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप सिंगापुर जा रहे हो तो साइट सींग हो सके तो क्लुक ऐप के थ्रू बुक कीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके अगर बुक करोगे, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो हो गया या जू हो गया, तो आपको लाइन में भी खड़ा होना पड़ेगा, प्लस आपको पूरा पे करना पड़ेगा, बट क्लू ये एंड मेक माई ट्रिप ये सब डिस्काउंट रखते हैं ये सब टिकट पे, तो आप डिस्काउंट का यूज़ कर सकते हैं एंड आप कुछ पैसे बचा सकते हो। सो गाइज, ये मेरा टिप्स रहेगा आपके लिए। सो गाइज, एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जो आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप सिंगापुर आ रहे हो, तो मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिप। आपको EZ कार्ड लेना है, EZ लिंक कार्ड। EZ लिंक का सिंगापुर में बस में चलता है एंड मेट्रोज में चलता है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी हो एक्सेस हो सकता है कार्ड, तो आप EZ कार्ड ज़रूर लेना, वो बहुत यूज़फुल है। आप कोई भी मेट्रो स्टेशन जा सकते हो, कोई भी बस आप उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हो, किसी भी बस में जस्ट आपको टैप करना है एंड आपका ऑलरेडी यूज़ में जो अमाउंट रहेगा वो डिडक्ट हो जाएगा। उस कार्ड को फिर से आप रिचार्ज कर सकते हो, जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट डाल सकते हो एंड वो भी बहुत सिंपल है, सारे मेट्रो स्टेशन पे मशीन्स लगे हुए हैं अमाउंट डालने के लिए। सो EZ लिंक कार्ड आपको बहुत यूज़फुल होगा और आपके काफ़ी पैसे बचेंगे, प्लस आपको बहुत कम्फर्टेबल होगा कहीं पर भी सिंगापुर में घूमने के लिए। जैसे आप सिंगापुर लैंड करोगे, आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा EZ लिंक कार्ड, आप पूछ सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स रहेंगे जहाँ पे आपको EZ लिंक कार्ड मिल जाएंगे।
एंड यस गाइस, एक और बात, आप एयरपोर्ट पे सिम कार्ड भी ले सकते हो क्लुक या मेक माई ट्रिप ऐप से, उसके थ्रू आप सिम कार्ड भी ले सकते हो डिस्काउंट रेट में, या आप डायरेक्टली एयरपोर्ट पे जाके बहुत सारे वहाँ पे वहाँ के लोकल सिम कार्ड के स्टोर से वहाँ से भी डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हो। अगर आप बजट में आ रहे हो तो आप स्काई स्कैनर पे जाके आप चेक कर सकते हो उस डेट में कौन सी कंपनी आपको चीप में फ्लाइट टिकट्स दे रही है, तो आप स्काई स्कैनर का यूज़ कर सकते हो आप टिकट सर्च करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग जो स्कूट एयरलाइंस है वो सबसे चीप टिकट प्रोवाइड करती है सिंगापुर के लिए, लेकिन सीजन टू सीजन, मंथ टू मंथ कोई भी कंपनी आपको मिल सकता है जो बेस्ट डील आपको प्रोवाइड कर सकते हो और आप अपने कुछ पैसे बचा सकते हो। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि हमें क्या क्या पैक करना चाहिए सिंगापुर ट्रिप के लिए हम जब जा रहे हैं। तो सो गाइस, सिंगापुर बहुत ही मीन्स ह्यूमिडिटी है वहाँ पे, सिंगापुर में बहुत ह्यूमिडिटी है, सो आपको लाइट कपड़े ही पैक करना है, कॉटन के कपड़े रहेंगे तो बेटर रहेगा, लाइट जैकेट एंड सनस्क्रीन एंड सन प्रोटेक्शन आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि काफ़ी ह्यूमिडिटी है एंड काफ़ी हॉट क्लाइमेट है वहाँ का, ऑलमोस्ट सारे ही मंथ ऐसे ही क्लाइमेट होते हैं, ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, सो लाइट कपड़े ही पैक करना, सन ग्लासेस, सन प्रोटेक्शन एंड हो सके तो समर वेयर क्लोथ्स कैरी करना। सो गाइज, अभी अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे होंगे मुझे लगता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कोई भी जो सिंगापुर विजिट कर रहा है, सिंगापुर का पैकेज क्या होना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, हमारा आइटनरी क्या होना चाहिए सिंगापुर का। सो गाइज, मैं 5 डेज़ का आइटनरी बताने वाला हूँ, 5 to 6 डेज़ का आइटनरी बताने वाला हूँ, और ये आइटनरी आप पूरा सिंगापुर को कवर करेगी जो भी उसके पॉपुलर एंड टॉप अट्रैक्शंस है। सो गाइज, जो पहला डे होगा, जो डे वन होगा जब सिंगापुर में आप लैंड करोगे, तो सबसे पहले आप सिम कार्ड एंड इजेड लिंक कार्ड लोगे, इजेड लिंक कार्ड एंड सिम कार्ड लेके आप इजेड लिंक कार्ड के थ्रू टिकट परचेस कर सकते हो, जहाँ पे आपने बुक किया है अपना होटल, जहाँ पे आपने बुक किया है अपना हॉस्टल, जो भी जैसा भी आपने एकोमोडेशन बुक किया है वहाँ के लिए आप टिकट परचेस कर सकते हो। वहाँ पे मशीन्स लगे होंगे मेट्रो स्टेशन पे, जिसके थ्रू आप टिकट परचेस कर सकते हो, देन आपको मेट्रो में बैठना है ना, आपके डेस्टिनेशन पे जाना है, फ्रेश होना है। सो डे वन मेरा रहेगा सिंगापुर जू, सिंगापुर जू का आप टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो क्लू कैब के थ्रू, मेक माई ट्रिप के थ्रू, एंड देन सिंगापुर जू के लिए आप मेट्रो ले सकते हो इजेड लिंक कार्ड के थ्रू, इजीली आपको स्टेशन पे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, डायरेक्ट मशीन में आपको टैप करना है एंट्री, जो मशीन रहता है मेट्रो का, एंड आपको एंट्री मिल जाएगी। आप सिंगापुर को वेट करना है पहले, डायरेक्ट नहीं चढ़ना है आपको, उन लोग पहले उतरेंगे फिर आपको चढ़ना है, ये बहुत ही वहाँ की अच्छी बात है। आप मेरा वीडियोस भी देख सकते हो, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरा सिंगापुर प्लेलिस्ट है अवेलेबल इस चैनल पे। सो डे वन रहेगा सिंगापुर जू, रिवर सफारी एंड नाइट सफारी। सो आप डे वन पूरा आपका डे वन उसी में चले जाएगा, फिर वापस आप होटल में आओगे। जो मेरा डे टू रहेगा वो रहेगा आप सिटी एक्सप्लोर करना, जैसे चाइना टाउन, जो वन ऑफ द पॉपुलर प्लेसेस सिंगापुर का, जहाँ पे आपको बहुत सारे गिफ्ट एंड बहुत सारे शॉपिंग के आइटम्स आपको अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे, जो आप शॉप कर सकते हो या आप जस्ट वहाँ पे जाके देख सकते हो चाइना टाउन। देन आप सेकेंड लिटिल इंडिया जाना, वहाँ से लिटिल इंडिया जहाँ पे इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, अलग अलग वहाँ के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। लिटिल इंडिया मेट्रो स्टेशन से जब आप बाहर आओगे तो आप थोड़े वॉक करने के बाद आपको लिटिल इंडिया आ जाएगा, जहाँ पे आपको पहला मिलेगा मुस्तफ़ा सेंटर, जो एक शॉपिंग सेंटर है, काफ़ी बड़ा सेंटर है, वहाँ पे हर कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आप वहाँ पे अगर चाहे तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो, या आपको कोई आइटम परचेस करना है या आप किसी आइटम को सोच रहे थे लेने के लिए, आपको हर एक कैटेगरी के आइटम मुस्तफ़ा सेंटर में मिलेंगे, चाहे वो लग्जरी आइटम हो या डेली आइटम हो या कोई भी कैटेगरी का आइटम हो, आपको वहाँ पे हर कैटेगरी के आइटम मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ। देन वहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, शॉप्स मिलेंगे, गिफ्ट आइटम्स शॉप्स मिलेंगे लिटिल इंडिया में। देन आप लिटिल इंडिया एक्सप्लोर करके आप बाद में आपके पास टाइम रहेगा तो आप मरलॉयन पार्क भी आ सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप तो दूसरे दिन एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप मरलॉयन पार्क आ सकते हो। मरलॉयन पार्क जो आधा शेर है आधा फिश है, वही मरलॉयन है, मरलॉयन जो सिंगापुर का सबसे आइकॉनिक प्लेस है, जिससे सिंगापुर को जाना जाता है पूरी दुनिया में।
देन हम आते हैं डे थ्री की तरफ। डे थ्री में आप जा सकते हो गार्डन बाय द बे, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पार्क बने हुए हैं। गार्डन बाय द जो लाइट एंड साउंड शो होता है फ्री में है, 6 बजे के बाद आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो कैसा रहेगा वो शो। देन आप वहीं से चल के आप आगे जाओगे तो आपको मरीना बे सैंड मिलेगा, जो एक बहुत ही बड़ा प्लेस है। उसमें मॉल है, होटल है, 5 स्टार और भी बहुत कुछ है, तो आप ज़रूर एक्सप्लोर करना उसे। जब लाइट एंड साउंड शो ख़त्म हो जाएगा तो आप वहीं से चल के जा सकते हो वहाँ पे मरीना बे सैंड में, जो काफ़ी बड़ा मॉल है। एंड वहाँ पे कैजिनो भी है, आपको जस्ट पासपोर्ट शो करना है, आपको कैजिनो में एंट्री मिल जाएगी, जो बहुत बड़ा है। आप मेरे रिकमेंड करूँगा, आपको ज़रूर जाके वहाँ पे देखना चाहिए। जो हमारा डे 4 रहेगा वो रहेगा यूनिवर्सल स्टूडियो एंड सेंतोसा आइलैंड। यूनिवर्सल स्टूडियो सेंतोसा आइलैंड के ऊपर ही बना हुआ है, सो आपको मेट्रो स्टेशन लेना है जो वीवो सिटी की लेके। अगर जो 5 डेज़ के लिए आ रहे हैं तो 5th डे आप शॉपिंग कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। शॉपिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑर्चर्ड स्ट्रीट या ऑर्चर्ड रोड जा सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के आपको शॉप्स मिलेंगे, बजट से लेके एक लग्जरी शॉप सारे ब्रांड्स के आपको वहाँ पे मिलेंगे ऑर्चर्ड स्ट्रीट में, जो ऑर्चर्ड रोड भी बोलते हैं। वहाँ पे आपको सारे शॉप्स मिलेंगे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉपुलर मॉल है और मुझे सिंगापुर का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है आयन मॉल, आप जा सकते हो। वो काफ़ी 55 फ्लोर का है मॉल, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे आपको दुनिया के सारे ऑलमोस्ट सारे लग्जरी ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, हाई स्ट्रीट ब्रांड्स, लग्जरी ब्रांड्स सारे मिल जाएंगे हर एक लेवल पे। जैसे लोअर लेवल पे सारे लग्जरी ब्रांड्स है, जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे तो आपको हाई स्ट्रीट ब्रांड्स मिल जाएंगे, हमारे जो H&M, फॉरएवर 21 जैसे ब्रांड्स आपको मिल जाएगा। और जो लोअर फ्लोर्स पे उस पे आपको गुची, लुइस विटॉन, इस तरह के प्राडा, इस तरह के ब्रांड, लग्जरी ब्रांड मिलेंगे आपको। तो आप उस मॉल को भी एक्सप्लोर कर लीजिए ऑर्चर्ड स्ट्रीट पे आ रहे हो। देन वहाँ पे लकी प्लाजा है, जहाँ पे $1 शॉप है। $1 में आप कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हो, चॉकलेट्स, गिफ्ट आइटम कुछ भी मिलेगा आपको, तो आप लकी प्लाजा भी जा सकते हो। देन आपको अगर चीप में आपको शॉपिंग करना है सिंगापुर में, तो एक ही जगह है बगिस स्ट्रीट, जहाँ पे सारे इंडियन मुझे लगते हैं वहीं से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी चीप प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ से, तो बगिस स्ट्रीट जा सकते हो। अगर आपके पास एक और डे, जैसा मैंने बोला 6 डे जो बेस्ट रहेगा आपको सिंगापुर के लिए, 6 डे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप क्लाकवे जा सकते हो, जो सिंगापुर का नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है क्लाकवे। और आपके पास टाइम है तो आप फिर से सेंतोसा आइलैंड भी जा सकते हो, जहाँ पे और भी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये पूरा पैकेज रहेगा सिंगापुर टूर पैकेज, और ये सबसे बेस्ट सिंगापुर टूर पैकेज है इन बजट। एंड आपने ऑलमोस्ट सारे प्लेस कवर कर लिए सिंगापुर के, जो भी टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सो गाइज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि बजट क्या होगा सिंगापुर का। सो गाइज, सबके दिमाग में मुझे आई एम श्योर ये क्वेश्चन चलता होगा कि बजट कितना होना चाहिए सिंगापुर का, क्या बजट है, क्या कॉस्ट है। अकॉर्डिंग टू मी, सिंगापुर आप बजट में करना चाहते हो तो अप्रॉक्स 50K आपका लगेगा ही लगेगा, मीन्स 50,000 आपके पास होना चाहिए सिंगापुर ट्रिप करने के लिए बजट में। और 60 to 70 अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो, अच्छे सारे अट्रैक्शन को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्योंकि सिंगापुर के अट्रैक्शन जैसे एक्वेरियम हो गए, जू हो गए, यूनिवर्सल स्टूडियो हो गए, उसके टिकट्स 3 to 5,000 के अराउंड आते हैं, तो आपका काफ़ी पैसा खर्चा होने वाला है। सो बजट आप 50 to 70 के बीच में पकड़ के चलिए, 50 तो होना ही चाहिए मिनिमम बजट आपको अगर सिंगापुर अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो। डैट्स बजट इंक्लूड्स टिकट्स एंड ट्रैवलिंग एंड एकोमोडेशन कॉस्ट, एंड दिस बजट इज़ फॉर 1 पर्सन। सो कपल के लिए अराउंड 1 लाख हो जाएगा, अगर आप कपल आ रहे हो तो 1 लाख 20,000 आपका बजट होना चाहिए अगर आप सिंगापुर में घूमना चाहते हो अच्छे से तो। सो गाइज, ये था सिंगापुर का बेस्ट टूर पैकेज, बेस्ट बजट पैकेज, बेस्ट ट्रैवल पैकेज। तो गाइज, मैं अभी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा सिंगापुर में कैसे आप पैसे बचा सकते हो सिंगापुर में। गाइज, आप अगर आप बजट में आए हो, या आप बैकपैकर हो, या आप सोलो ट्रैवलर हो, या आपको पैसा बचाना है, तो सबसे पहला कार्ड आप ट्रैवल कीजिए या मेट्रो के थ्रू, बस के थ्रू। बिकॉज अगर आप कैब यूज़ करेंगे तो आपका काफ़ी पैसा जाने वाला है, बिकॉज सिंगापुर में कैब एक्सपेंसिव है।
सो आप एंड मेट्रो यूज़ कीजिए, वहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे लोग मेट्रो यूज़ करते हैं, एंड बस जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्लीन है, बहुत ही अच्छा मेंटेन है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा मेट्रो में वहाँ पे ट्रैवल करने में। एक वो ऐसी कंट्री जो क्लीनिनेस के लिए जाना जाती है, तो मेट्रो बस से ट्रैवल कीजिए, आपका काफ़ी पैसा बचेगा एंड बहुत कन्वीनियंट भी है, क्योंकि मेट्रो मेट्रो एंड बस सिंगापुर के ऑलमोस्ट सारे प्लेस को कवर करते हैं। देन मेरा जो सेकेंड होगा कि सिम कार्ड आप पहले एयरपोर्ट पे परचेस कर लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेटर होगा, ना कि आप सिटी में आके परचेस कीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली ऐप के थ्रू ऑफर्स में मिल जाएंगे। देन मेरा थर्ड टिप होगा कि आप हो सके तो आप जो भी टॉप अट्रैक्शन है वो उसके टिकट आप ऐप के थ्रू बुक कीजिए, क्लिक ऐप या मेक माई ट्री, आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड कुछ फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगा, जैसे कि पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़, तो आप पहले चेक कर सकते हो। अगर जू के टिकट बुक कर रहे हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम या ऐसा कुछ मिल सकता है, तो आप पहले चेक कर लीजिए। सो गाइज़, ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स जो आपको काफ़ी हेल्प आने वाले हैं। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने किया है सिंगापुर में, जो जैसे मैंने एक्सप्लोर किया सिंगापुर के, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ ये सब, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने भी सिंगापुर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया सिंगापुर में एंड बहुत ही बजट में हो गया था मेरा ट्रिप, तो मैंने जैसे ये सब ट्रिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई किए, आप भी कर सकते हो, आप भी पैसे बचा सकते हो एंड पूरी तरह से मज़ा ले सकते हो सिंगापुर ट्रिप का। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको नहीं मिले या आपको दूसरे कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं ट्राई करूँगा सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, टेक केयर। गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा, और भी जिस जिस ट्रिप पे मैं जाऊँगा उससे मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको जो टिप्स अप्लाई करनी चाहिए, क्या मैंने गलती किया, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कैसे इजी वे में सब कुछ हम प्लान करें। सो गाइस, सपोर्ट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।